पिताजी मैंने खाना बना दिया, आप खा लेना, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। ये आरती अमर बाबा की बेटी और राहुल की बहन, घर के सारे काम निपटाकर गांव के पास सरकारी कॉलेज में पढ़ती है। बाबा किसानी करते हैं जिससे राहुल को अच्छे से शहर के कॉलेज में पढ़ा सकें, लेकिन राहुल शहर में कुछ और ही कर रहा है। आइए देखते हैं ये नई कहानी। सर आपका बिल पूरे 4200 रुपये का हुआ। यार मेरे पास तो सिर्फ 4000 रुपये हैं, प्लीज तुम 200 रुपये दे दो। यार क्या है तेरा, हमेशा हमारे पैसों से खाता रहेगा? आज इतने दिनों में खिला रहा है, उसमें तेरे पैसे कम पड़ गए। यार मैं अपने पापा से मांगूंगा कल, परसों मेरा बर्थडे है तो तुम्हारा जो भी मन करे तुम वो सब खा लेना। चलो कोई बात नहीं यार, मैं दे देती हूँ। थैंक यू शिवानी। हेलो गाइस, सो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मस्त ऐप जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक बिल्कुल सेफ ऐप है जिस पर आप रमी खेल खेल कर पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल पर 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर हैं, जहां आप आराम से कैश गेम खेलकर पैसे जीत सकते हैं। इस पे एक इंस्टेंट विड्रॉ का फीचर है, मतलब आपके जीते हुए पैसे सीधा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलता है, आप खुद इसे स्क्रीन में देख सकते हो। सो गाइज, तो आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें और रजिस्टर करके डिपॉजिट करने पर 2000 रुपए का वेलकम बोनस पाओ। दोस्तों आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। गाइज इस गेम में रुपए का जोखिम है और इसकी लत भी लग सकती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी से खेलें। हेलो राहुल, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू ये बता पिताजी घर पर ही है ना? हाँ घर ही है, बता क्या काम है, बात करनी है उनसे? नहीं, वो थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? बता कितने चाहिए? 10,000। 10,000? इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ 1 गई? अभी तो पिताजी ने इस महीने 1 तारीख को दिए थे और आज 10 तारीख ही तो हुई है। वो तो इस महीने की पॉकेट मनी दी थी, अब मुझे कंप्यूटर क्लासेज और लेनी है वरना मेरी नौकरी नहीं लगेगी। चल ठीक है, करती हूँ। पिताजी राहुल की कॉल आई थी, उसे कंप्यूटर की कोचिंग लेनी है, वो 10,000 रुपये मांग रहा है। 10,000 रुपये? तो फिर दे दे, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे, परेशान हो गया मैं उसकी फीस भरते भरते। तू भी तो पढ़ रही है, पूरी साल में 1,000 रुपये जाते हैं तेरे। पिताजी मेरे कॉलेज में और उसके कॉलेज में बहुत फर्क है, और वैसे भी उसका कॉलेज शहर में, खर्चा तो होगा ही। लेकिन पिताजी ये भी तो सोचो, वो कामयाब हो जाएगा तो बड़ा अधिकारी बनकर आपकी सेवा ही तो करेगा। देख ये फिल्मी डायलॉग मत मार मेरे से, तेरी माँ की अंगूठी रखी है अलमारी में, उसे बेच दे और दे दे पैसे, बस ये आखिरी चीज बची है मेरे पास, इसके अलावा कोई फूटी कौड़ी नहीं है। पिताजी आप चिंता मत करो, अगले महीने मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी, उससे आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। फिलहाल मैं अंगूठी गिरवी रखकर राहुल को पैसे भेज देती हूँ। पिताजी राहुल का जन्मदिन है आज, मैं उसके पास जा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम बिताऊंगी उसके साथ, फिर शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। जी पिताजी, मैं आपके लिए खाना बनाकर रख जाती हूँ। ठीक। अरे विकास, तूने राहुल को देखा है? वो अपने रूम में भी नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहा है। बहन आज उसका बर्थडे है ना, तो वो पार्टी कर रहा है अपने दोस्तों के साथ डिवाइन होटल में। अच्छा तू नहीं गया उसकी पार्टी में? वो बहन कल से एग्जाम है इसलिए मुझे पढ़ना था तो मैं नहीं गया।
अबे ये कौन आ गई? देसी गरीब गांव की लड़की हमारी पार्टी में। जरूरी है यहाँ सफाई करने आती होगी, नौकरानी होगी यहाँ। पर इसे आज किसी ने बताया नहीं कि आज यहाँ पार्टी है। इसकी वेशभूषा देखकर पूरा मूड खराब हो गया, पता नहीं कहाँ से आ गई पार्टी खराब करने। राहुल भाई है मेरा, समझ आया तुम्हें? क्या है बहन, तू यहाँ पर क्यों आई है? और ये क्या कपड़े हैं? ये ऐसे कपड़े पहनकर आते हैं क्या शहर में? गंवा नहीं रही हो एकदम? क्या इसलिए तू पैसे मांग रहा था बेफिजूल के खर्चों के लिए? क्या बहन, आज मेरा बर्थडे है, उसी की पार्टी कर रहा हूँ, रोज थोड़ी करता हूँ। कल तेरा एग्जाम है, आज तू पार्टी कर रहा है, पढ़ाई कब करेगा? तेरे दोस्त विकास को देख, वो हमेशा पढ़ाई करता रहता और तू यहाँ पैसे उड़ा रहा है। उसे एक एक पैसे की कीमत पता है। तुझे पता भी है तेरी फीस के लिए, तेरे खर्चों के लिए कितनी मुश्किलों से हम कैसे कैसे पैसे दे पा रहे हैं। देख, ये ज्ञान देना फिर से चालू मत कर। आज बर्थडे है मेरा, मूड खराब मत कर मेरा। और अब जाए यहाँ से, और आज के बाद यहाँ आ मत जाइयो यूं गवारों की तरह। चल अब जा। यार ये राहुल की बहन है, कैसे कपड़े पहन के आई है? बिल्कुल गवार है, गांव की लग रहा है। राहुल ने तो कभी बताया भी नहीं था हम लोगों को। तुम लोगों को पता है क्या इसके बारे में? यार अगर ये राहुल की बहन है ना, तो मैं तो नहीं रहूंगा बिल्कुल इसके साथ। कैसी है यार ये, बिल्कुल देहाती अनपढ़ गवार सी। यार अब मैं भी नहीं रहूंगा इसके साथ, तो क्या होगा मेरी इज्जत का? पूरा कॉलेज में नाम खराब हो जाएगा मेरा। अरे यार ये मेरे गाँव से थी, इसके परिवार वाले यहीं पर रहते हैं, तो उनका पता पूछने आई थी मेरे से। बहन वहन नहीं है ये मेरी? अच्छा ये बात है, चल कोई नहीं, नाचो। अगर ये सब कुछ पिताजी को पता चल गया तो राहुल को तुरंत घर बुला लेंगे। ऐसा करती हूँ, पिताजी को कुछ भी झूठ बोल दूंगी। आरती बहुत जल्दी आ गई, तो राहुल नहीं मिला क्या? मिला था, वो कल उसके एग्जाम है ना, तो वो पढ़ाई कर रहा था, मैं उससे मिलकर जल्दी आ गई। चल ठीक है बेटा, तू खाना बना, मैं अभी आ रहा हूँ। यार दीपक, शिवानी हमेशा राहुल से चिपकी रहती है, जबकि मैंने राहुल को पैसा दिया, बाइक दिलाई, प्यार मैं करता था उससे, लेकिन राहुल बीच में आ गया और शिवानी को मुझसे छीन कर ले गया। तो तू लड़की को सब बता दे, जहाँ उसे पता चलेगा वो सब कुछ तूने दिया था, तो वो तेरे पास ही आ जाएगी। लड़कियों को सिर्फ पैसा दिखता है, प्यार व्यार नहीं। इसी वजह से बस मैंने पैसा कमाया है। आज मेरे पास एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो, दो स्प्लेंडर खुद किए हैं। कॉलेज तो बस मैं छोरियों को ताड़ने जाता हूँ। ये तो सही कहा यार दीपक तूने, मैं जाता हूँ उसके पास। यार राहुल, मुझे ना तुमसे कुछ बोलना था। हाँ बोलो, क्या बात है? यार मुझे ना न्यू फोन चाहिए, तुम मुझे iPhone 13 Pro Max दिलवाओ ना। यार शिवानी, इतना महंगा फोन कैसे दिलवाऊं मैं तुम्हें? कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? और अभी कुछ दिन पहले तो मैंने तुम्हें स्कूटी दिलवाई थी। हाँ, जैसे कि बाकी चीज तुम ही लाए हो ना, मुझे अभिषेक ने सब बता दिया है। तुम एक नंबर के भिखारी और गरीब हो, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। यार शिवानी प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तेरे से बोला ना आप चल निकल यहाँ से, एक बार की समझ नहीं आती? मेरे जैसी खूबसूरत लड़की से तो बहुत लड़के प्यार करते हैं, तो सबका अपना बॉयफ्रेंड बना लूं क्या?
साले मैं तेरे से पैसे लेता था क्योंकि तू मेरा दोस्त था, लेकिन तुझे ये सब शिवानी को बताने की क्या जरूरत थी? अबे साले, उससे तो मैं प्यार करता था, लेकिन तूने मेरे पैसों के दम पर उसे पटा लिया। नहीं तो एक बार शकल देख अपने आईने में, कोई कुतिया भी तुझे मुड़ कर नहीं देखेगी। देख अभिषेक, तमीज में बात कर ले, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। साले तेरी इतनी औकात, तू मुझसे जवान लड़ाता है? दीपक भाई मारो साले को। अब सुन, 3 दिन में मुझे मेरे 2 लाख रुपए चाहिए, वरना साले जान से मार दूंगा। समझ आया तेरे? चल अब निकल यहां से। राहुल भाई क्या हुआ? तू ना क्लास ले रहा है ना कैंटीन खाना खाने आता है, इतना कमजोर भी हो गया है, तेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी यार? यार विकास भाई तू मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज, जा तू यहाँ से। पर सुन तो सही। नहीं सुननी मुझे तेरी बात। आरती बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो राहुल ना ढंग से पढ़ाई कर रहा है ना खाना खा रहा है, कॉलेज भी नहीं आ रहा है बहुत दिनों से। मैं उससे बात करने गया तो उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया, पर जब मैंने मालूम किया उसके दोस्तों से तो उन्होंने बताया कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसने अब उसे छोड़ दिया। क्या नाम है उस लड़की का? शिवानी। तुम्हारा नाम ही शिवानी है ना? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरा भाई किस हाल में पड़ा है, ना पढ़ाई कर रहा है ढंग से ना खा पी रहा है। क्यों छोड़ा मेरे भाई को? ऐसी क्या गलती कर दी उसने? क्यों रहूं मैं उसके साथ? मुझे लगा था वो अमीर है, बड़े घर से है, मुझे खुश रखेगा, महंगी महंगी चीजें दिलवाएगा, पर वो तो खुद भिखारी निकला। और तुम होती कौन हो उससे ये सब बोलने वाली? मैं उसकी बहन हूँ, समझ आया तुझे? मेरा भाई बेशक अमीर ना सही, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो रो रहा है तेरे लिए, परेशान हो रहा है, इसका मतलब वो तुझे बहुत प्यार करता है। पर तुझ जैसी लालची लड़की को प्यार कहाँ दिखेगा? तेरे जैसी लड़कियों की वजह से सारी लड़कियाँ बदनाम होती हैं। अभिषेक, तुम यहाँ आराम से बैठे हो हेडफोन लगा के, और वहाँ राहुल की बहन मेरी इतनी बेइज्जती करके गई है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? आज उसके घर जाता हूँ, वही पैसे मांगूंगा और उसकी खूब बेइज्जती करूंगा, तब समझ जाएगा उसे। तुम टेंशन मत लो शिवानी, रुको मैं दीपक को भी बुला लेता हूँ। हेलो दीपक, कहाँ है? राहुल, राहुल कहाँ घुसा बैठा है? चूहे बाहर निकल। राहुल, राहुल तो अपने कॉलेज में होगा, तुम लोग कौन हो? बताओ क्या काम है राहुल से? हमें राहुल से बात करनी है, उसी से बात करेंगे। और कॉलेज में नहीं है वो? सब जगह ढूंढ लिया। बेटा कौन हो तुम लोग, क्यों ढूंढ रहे हो राहुल को? लगता है ये बुड्ढा राहुल का बाप है और ये उसकी बहन। अच्छा, तो तू उसकी बहन है? क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदी से बदतमीजी करने की? अब तेरा भाई गया, बचेगा नहीं वो हमारे हाथों से। क्या हुआ, क्या किया मेरे बेटे ने? क्या किया बुड्ढे, ये पूछ क्या नहीं किया। तू क्या सोच रहा है, तेरा बेटा वहाँ पढ़ाई कर रहा है? कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, वो वहाँ मस्ती काट रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम बेटी, क्या कह रहे ये? वो हमारे टुकड़ों पलता था, हमसे पैसे उधार लेकर लड़की पे खर्च करता था, पार्टी करता था, और अब उससे पैसे मांगे तो साला कहीं गायब ही हो गया। कोई नहीं, कब तक छिपेगा साला हमसे? उसे पता नहीं है किससे पंगा लिया उसने, दीपक डॉन से। एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो और 2 स्प्लेंडर खुद की है। बेटे माफ कर दो मेरे बेटे को, मैं समझाऊंगा उसे। साले बुड्ढे, बोल दिया अपने बेटे से, अगर 3 दिन में मेरे 2 लाख रुपए नहीं लौटाए तो तेरी बेटी को ले जाकर बाजार में बेच आएंगे, बहुत हरामी हम। आया समझ? चल भाई, 3 दिन बाद देखेंगे इन्हें।
पिताजी, पिताजी, पिता क्या हुआ आपको? पिता राहुल, 3 दिन से कहाँ था तू? मैंने, तेरी बहन ने कितने फोन किए तुझे, ना तेरा फोन लगा ना कुछ पता चला तेरा। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? भाई, तेरे पिताजी अब नहीं रहे, जब तू नहीं मिला तो तेरी बहन को ही उनका क्रियाकर्म करना पड़ा। चला मेरे साथ। कहाँ था भाई तू, देख क्या हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जब विकास ने तेरे बारे में बताया तो मैं शिवानी के पास गई। क्यों रहूं मैं उसके साथ? मुझे लगा था वो अमीर है, बड़े घर से है। बेटे माफ कर दो मेरे बेटे को, मैं समझाऊंगा उसे। साले बुड्ढे, बोल दियो अपने बेटे से, अगर 3 दिन में मेरे 2 लाख रुपए नहीं लौटाए तो तेरी बेटी को ले जाकर बाजार में बेच आएंगे। बहुत आरामी हम। पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी, पिताजी। तू फिक्र मत कर बहन, मैं उन सालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राहुल, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने उनका 2 लाख रुपए का कर्ज भर दिया है। अब तूने उनके साथ कुछ किया तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हाँ भाई, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर तुझे पिताजी का बदला लेना है तो उनका सपना पूरा करके ले, पढ़ाई कर, बड़ा अधिकारी बन, क्योंकि पिताजी ने मुझे शहर ना पढ़ाकर तुझे पढ़ाया ताकि तू बड़ा अधिकारी बनकर उनका नाम रोशन कर सके। पर ये सब मैं कैसे करूंगा बिना पैसों के? तू टेंशन मत ले राहुल, तेरी अब ग्रेजुएशन पूरी हो गई है तो UPSC की तैयारी कर, तुझे जिसकी भी जरूरत पड़ेगी मैं वो ला कर दूंगा। क्या हुआ, तुम इतने परेशान से क्यों हो? यार अभिषेक, DM ने हमारे कारखाने को सील कर दिया है, बहुत नुकसान हो गया है यार। क्या, तुम्हारे कारखाने को भी सील कर दिया? हमारे साथ भी यही सब हुआ है यार। यार तुम्हारी जान पहचान तो MP MLA से है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। क्या करें यार, वो किसी की नहीं सुन रहा। ऐसा करते हैं, कल उसी से ही मिलने चलते हैं, उसे घूस का लालच देंगे फिर वो मान जाएगा। अरे राहुल, तुम DM कैसे बने? मैं यहाँ तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं DM कैसे बना। एंड कॉल मी सर, आई एम नॉट योर कलीग जो तुम मुझे नाम लेकर पुकार रही हो। सर प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी पुरानी गलतियों की सजा हमें अब मत दो और हमारे कारखाने सीज मत करो। बेटा तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी मर गए, तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तुम लोग कॉलेज के टाइम पर भी इतने ही हरामी थे, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे, और आज भी तुम लोग यही काम कर रहे हो कारखाने में इलीगल काम कराकर। बेटा बचोगे नहीं तुम लोग। सर प्लीज हमें एक चांस दे दो, आगे से नहीं होगा ऐसा। और तुम उससे प्यार करते थे ना? तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम बस पैसों की यार हो, समझ आया तुम्हें? तुम्हें बस पैसा चाहिए, बेशक फिर कोई मरे गिरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। पैसे का यार कौन नहीं है आज के जमाने में? आप हमारे कारखाने बचाओ, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बेटा अगर ये सरकारी दफ्तर नहीं होता ना तो तेरे में इतनी जोर से चांटा मारता, ये पैसों का घमंड निकल जाता तेरा। चलो अब निकलो तुम तीनों यहां से, अब तुम्हारे कारखाने तो सील होंगे ही और तुम्हें भी मैंने
जेल की रोटी का स्वाद नहीं चखाया तो मेरा नाम भी राहुल राणा नहीं। चलो निकलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, नई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो। दोस्तों, ये वीडियो अगर फेसबुक पर आप देख रहे हो तो हमारा चैनल यूट्यूब पर है विकास सिंह के नाम पर, वहाँ पर आप सारी वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, मुझसे बात करने के लिए, मुझे कुछ भी सजेशन देने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में और सामने मैं यूज़र आईडी दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, बाय।